डियर व्यूअर, आप सभी लोगों का स्वागत है मनु एकेडमी में। और आज हमने थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट किया है। इससे पहले हम वन टू वन इंटरव्यू करते थे, बट आज हमारे साथ दो लोग हैं और दोनों लोगों ने काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो ढेर सारे एग्जाम्स के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले तो नीरज जी आपको एंड ज्योति बहन आपको, आप दोनों लोगों को मेरे तरफ से एंड मनु एकेडमी की तरफ से मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन एंड स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सबसे पहले शुरुआत मेरा कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आप दोनों के लिए कॉमन रहेंगे, तो आप बारी बारी से एडजस्ट कर लेना क्वेश्चन को, जिसको भी पहले जवाब देना हो। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम से बेसिक क्वेश्चन है जनरल पर्सपेक्टिव का, कि आप दोनों को सरकारी नौकरी करनी थी इसलिए पढ़ाई स्टार्ट किया, या फिर पढ़ाई में मन लगता इसलिए पढ़ा? मेरा तो पढ़ाई में मन लगता था और मुझे टेक्निकल ज्यादा ही पसंद है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। सरकारी नौकरी तो वैसे ऐसे ही दे दी थी और क्लियर हो गई। अच्छा, मतलब आपका मन लगता है, पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है आपको, सरकारी नौकरी मिल गई बस पढ़ाई की वजह से? अगर सरकारी नौकरी मुझे मिल गई है, इसके बावजूद भी मेरी पढ़ाई तो कंटिन्यू ही रहेगी, मैं इसके आगे के स्टेप के बारे में सोचू। ओके ओके। नीरज जी आपका क्या पर्सपेक्टिव, आपका भी पढ़ने में मन लगता है? नहीं, पहले कॉलेज में तो नहीं लगता था ज्यादा पढ़ने में मन, फिर उसके बाद तो सोचा कुछ करना पड़ेगा आगे, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ये सब मन लगने लगा। बहुत सारे एग्जाम दिए, कुछ में पास हुए नहीं हुए, प्रीलिम हुआ, मेंस हुआ, और फिर धीरे करके एग्जाम पास हुए अभी तो। ओके ओके। हाँ, हमारी बात भी हुई थी इससे पहले, तो ज्योति से भी मेरी बात है, उन्होंने भी बताया कि काफी सारे एग्जाम्स उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, आप भी बता रहे हैं आप भी टेक्निकल के नॉन टेक्निकल के क्वालिफाई किए हैं, तो हम सारे एग्जाम्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है, ये भी आप दोनों से कॉमन है, कि आप दोनों जैसे अभी ITI इंस्ट्रक्टर में आप दोनों का सिलेक्शन हुआ है, आप दोनों का मुझे जहाँ तक पता है कि आप दोनों लोगों का अच्छे मार्क्स हैं RTO क्लास 2 में भी, तो आप दोनों लोगों ने इन दोनों एग्जाम्स की सेपरेट प्रिपरेशन किया था, हालांकि ITI इंस्ट्रक्टर काफी पहले आई थी, या फिर आप लोग हायर जो डिग्री मतलब हायर जो एग्जाम्स है जैसे क्लास 2 है उन्हीं की प्रिपरेशन कर रहे थे, लोअर वाले ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए? RTO की प्रिपरेशन करना चाहती थी, इसलिए तब से लेकर मैं टेक्निकल मतलब कोई भी एग्जाम आए पहले वो दे दूंगी ये सोचकर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने रेफरेंस बुक और इस तरह से मतलब लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन थी मेरी, कि जो पहले आएगी वो क्लियर कर दूंगी इस तरह से, लेकिन सेपरेट मैंने किसी की प्रिपरेशन नहीं की थी। और बाद में जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो उसकी सेपरेट प्रिपरेशन करती हूँ, उसको 2 और 3 मंथ्स दे देती हूँ, तो आसानी से क्लियर हो जाता। ओके मतलब आप ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स कोई सी भी आए आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, मतलब एक होता है ना कि हम टारगेट करते हैं कि हायर एग्जाम को टारगेट करते हैं, लोअर एग्जाम ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाती है। नीरज आप क्या, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप सेपरेट कर रहे थे या फिर आपका ऐसे ही कुछ था? जो लास्ट टाइम RTO का क्लास 3 का एग्जाम था ना, उससे पहले ITI की एग्जाम थी, और ITI की 4 एग्जाम थी मैकेनिकल के लिए अलग अलग से, तो साथ में तो उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, पर इसमें थोड़ा नॉन टेक आ जाता है बीच में, तो थोड़ा उसके लिए टेक्निक जैसा प्रिपरेशन किया था साथ में, टेक्निकल तो RTO के लिए किया था वही था, और इसका तो पेपर भी इतना टफ नहीं होता है ITI का, तो हो गया था वही से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा आप दोनों लोगों से, जैसे आप दोनों हायर क्वालिफाइड हो मतलब इन शॉर्ट आपके पास BTech डिग्री है, ITI एग्जाम के लिए और जो क्लास 3 के एग्जाम्स हैं उसके लिए डिप्लोमा होल्डर भी एलिजिबल होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं, आपको थोड़ा एक्सपोजर होगा, कई बार मुझसे भी पूछते हैं लोग कि गुजराती की कोई MCQ है क्या, तो अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है और केवल क्लास 3 का या फिर ITI इंस्ट्रक्टर का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको इससे ऊपर का एलिजिबल ही नहीं है, तो आप कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देना चाहेंगे अपने हिसाब से, अपने एक्सपोजर के हिसाब से, या उसको भी जो बी लेवल की बुक्स हैं लाइक खुरमी जैन जैसे लोग पढ़ते हैं वही पढ़ना चाहिए, उससे लोअर लेवल की कोई बुक्स रिकमेंड करेंगे? डिप्लोमा का तो मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हायर लेवल की मतलब खुरमी तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है भगवद गीता है खुरमी, तो उन लोगों को एटलीस्ट खुरमी तो पढ़ना ही पड़ेगी, और खुरमी का लेवल इतना ज्यादा भी अप नहीं है,
इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी है, तो डिप्लोमा वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। नीरज हाँ, जो ज्योति जी ने कहा आरएस कुर्मी तो करनी ही पड़नी है, आरएस कुर्मी के बिना तो पेपर देने ही नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सही है, नहीं तो आरएस कुर्मी तो करनी ही पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। मगर पिछली बार मैंने ऐसा सुना कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर था वो कुर्मी से नहीं था, पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैंने पेपर देखा नहीं अभी तक, बट ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि वो कुर्मी से नहीं था। नहीं, आरएस का पेपर कुर्मी से ही था, मतलब 90% कुर्मी में से था, लेकिन जो मैकेनिकल का था वो कुर्मी में से नहीं था, उसके लिए फंडा क्लियर होना चाहिए था, अगर फंडा क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग फंडा क्लियर करके जाते हो ना, इसीलिए डिप्लोमा वाले आप लोगों से नाराज जाते हैं, ये बीटेक वाले आके हमारी जॉब खा जाते हैं, इनका फंडा क्लियर होता है, हम इनको कैसे कम्पीट करें। हाँ नीरज बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। आरएससी की बुक है ना, आरएस कुर्मी में 280 क्वेश्चन है उसमें, आरएससी के उसमें से 83 क्वेश्चन तो 90 में से 83 क्वेश्चन तो सीधे पेपर में थे, जो आरएससी का पेपर था ना उसमें जो 150 क्वेश्चन आते 150 उसमें से, वो तो बहुत इजी था पेपर सर। ये आप लोग चाहे इसको कहना चाहे चाहे नहीं कहना चाहे, मगर मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, मगर मैं बिल्कुल कहूंगा अगर कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ये वीडियो देख रही है तो प्लीज आप लोग अपना पेपर सुधारें, और इस तरीके से कोई भी आरएस कुर्मी रट के या जैन रट के अगर सिलेक्शन लेता है गवर्नमेंट जॉब में और जो बात करते हैं कि हम क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही खराब है। तो आप लोगों के तो एडवाइस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वहां पे जाके जॉब करना है, बट मैं तो फ्री हूं तो मैं तो बोल ही सकता हूँ। इस तरीके से मेरा पर्सपेक्टिव है, आप लोग एग्री कर सकते नहीं कर सकते, जो देखने वाले हैं वो भी शायद करें ना करें, बट मैंने देखा है, हालांकि जीपीएससी चेंज करने की कोशिश कर रही है, जीपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, जीपीएससी ने हर पोस्ट के लिए सिलेबस चेंज किया, मगर ये आपकी जो GSSB है इनका हालत तो खराब ही है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस, आप जैसे कह रहे हो 90% क्वेश्चन थे तो फिर मतलब बाहर से पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ, बहुत ज्यादा इजी था। नीरज से मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि हाँ बोलिए, आपकी बात सही है, वो डायरेक्ट कॉपी करके क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे पढ़ के आए वो भी पास हो जाते हैं, और जो ज्यादा प्रिपरेशन करके आता है उसको ज्यादा नुकसान होता है उसमें। ये सेम हमने आरटीओ में देखा है, आरटीओ में हम बहुत कुछ पढ़ने गए, पढ़ा था, मतलब 2 साल हमने लॉकडाउन में घर से दूर रहकर पढ़ाई की थी और सोचा था कि कुछ टफ होगा क्योंकि क्लास 2 जॉब है तो लेवल टफ होगा, तो हमने सब कुछ टफ ही पढ़ा। मैं सच बोलूं तो मैंने कुर्मी की ही नहीं थी उस बार। हाँ, मैंने आईटीआई इंस्ट्रक्टर जब किया था प्रिपरेशन तब मैंने की थी कुर्मी, और आरटीओ में मैंने कुर्मी ही नहीं की थी, और मैं सिर्फ रेफरेंस बुक और वो सब किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि रेफरेंस बुक काम आ गई उसमें, तो कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन कुर्मी के कई सारे क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ की थी। नीरज जी, आपसे आपने जैसे हमारी बात हुई तो आप कह रहे थे कि आप मैकेनिकल में भी क्वालिफाई थे और भी कोई ब्रांच थी उसमें भी क्वालिफाई थे, तो आप कोई स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहेंगे कि मैकेनिकल ऑटो या फिर आईसी व्हाटएवर दैट, उसके लिए कुछ मटेरियल, कुछ रेफरेंस बुक या कुछ भी? आईटीआई में जो मैकेनिकल और ऑटो का क्वेश्चन था वो एकदम थियरी बेस्ड था, मतलब थियरी रिवाइज करके गए तो आराम से हो जाएगा ऐसा, वो कुर्मी में से नहीं था पूरा, तो वो पहले थियरी करनी जरूरी है, फिजिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा पेपर आता है। आरटीओ का भाई इस बार तो ऐसा ही था पेपर पूरा, जो पढ़ के गया है उसको सब आ जाएगा, वो बहुत इजी था इस बार तो। लास्ट टाइम जो था ना आरटीओ क्लास थ्री का वो बहुत टफ था, मतलब वो एग्जाम मैंने दिया था तो मैं 6 मार्क्स से रह गया था उसमें। अच्छा, 2019 टफ पेपर है तो ज्यादा तो वो ये सोच के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, टफ पेपर है तो किसी को भी नहीं आएगा, उसमें 6 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। नहीं होता है, अब जैसे मान लीजिए जो आपको आता रहा वो तो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, अगर मान लीजिए ये सोच के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि अब सारे ज्यादा करें तो गलत होगा, नेगेटिव के भी तो चांसेज हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों है, हो सकता है सही भी करें, हो सकता है गलत भी हो जाए। नहीं, इस बार तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा था आरटीओ क्लास 2 के लिए, तो वो टेक्निकल भी अच्छा था, एक ग्रुप में हमने खुद से थोड़ा किया था, आपकी भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी एक ग्रुप के लिए तो, और गुजराती इंग्लिश भी सही से किया था इस बार तो, और इस बार तो मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 292 अटेम्प्ट किए थे 300 में से, एडवांटेज भी मिला है। हाँ सर, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसा मैं आप दोनों को जानता हूँ कि आप दोनों 3 स्टार आप दोनों को मिलने वाला है, मेरा ऐसा ओपिनियन है,
और जहां तक मुझे आपके मार्क्स पता है, और कोई कमेंट करके पर्सनल मार्क्स नहीं पूछा, ऐसे नहीं वीडियो देख लिए तो कई सारे लोग पूछ रहे थे ज्योति बहन के मार्क्स बताओ आप नीरज भाई के मार्क्स बताओ, कई सारे लोग नंबर भी मांगने लगते हैं। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं किसी का पर्सनल नंबर किसी को शेयर नहीं करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी का नंबर ना मांगे। ये दोनों लोग टेलीग्राम पे हैं, अगर आप कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो प्लीज इनसे कर सकते हैं। मुझसे अगर नंबर मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा, और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने नंबर मांगा आपने नहीं दिया, बेइज्जती फील होगी। नहीं, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने फेस किया, जिसका भी इंटरव्यू होता है लोग यही कहते हैं उनका नंबर दीजिए, क्योंकि ये पर्सनल चीजें होती हैं तो शेयर करना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, आप दोनों लोगों से जो मैंने मेरा डिस्कशन हुआ, आप दोनों लोगों ने नॉन टेक के भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, ज्योति ने भी दिए हैं, आपने भी दिए हैं, तो पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आपने नॉन टेक के कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं, किसमें क्लियर हुआ है आपका? एग्जाम तो सब देते हैं, नॉन टेक दोनों साथ में देते हैं सबकी, पर एग्जाम डीवाईएसओ का प्रीलिम क्लियर हुआ था मेरा, उसमें मेंस दिया था, मेंस okay. नहीं हुआ था मेरा okay. और अभी जो एससीए का रिजल्ट आया ना जो आरटीओ के साथ, उसका भी प्रीलिम क्लियर हुआ है। अच्छा, आप दोनों के प्रीलिम भी था, अगर तो आप सर ये जो जुलाई में है अभी ओके ओके, तो अगर प्रीलिम की हम बात करें तो प्रीलिम्स के लिए जैसे आप टेक्निकल से हो, यहाँ पे जितने प्लेटफॉर्म पे लोग मैक्सिमम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के ही है, तो टेक्निकल पे आप टेक्निकल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नॉन टेक की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, क्या शेड्यूल रहता है आपका कि टेक्निकल कब पढ़ना है, नॉन टेक कब पढ़ना है, या फिर साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, या फिर जैसे एग्जाम आ रहा है अगर टेक्निकल का गया तो टेक्निकल शुरू, नॉन टेक आ गया तो नॉन टेक शुरू? नहीं सर, पहले मैं एक टेक्निकल ही कर रहा था एग्जाम सारे, फिर वो ईडब्ल्यूएस की वजह से सारे एग्जाम लेट हो गए थे, तो टेक्निकल पढ़ के बोर हो रहे थे बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने मेरे दोस्त थे वो यहाँ पे मेरे रूम में सारे जीपीएससी की तैयारी कर रहे क्लास वन टू की, तो उनके पास से मैंने फिर विजन आईएएस के वगैरह के लेक्चर देखना स्टार्ट किया, फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा, और हमारा यही का एग्जाम था ना जो उसमें हाँ। दो मार्क्स का नॉन टेक आता है, तो उसके लिए भी करना था, उसके लिए नॉन टेक स्टार्ट किया था, पर यही में तो ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया था, पर उसके बाद ये सारे एग्जाम में अच्छा स्कोर हो रहा है धीरे धीरे, और मैथ भी आता है तो मैथ्स हो जाता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से, तो प्रीलिम थोड़ा बहुत मेहनत करके करंट अफेयर्स वगैरह करके जाते हैं तो हो जाता है सर, आराम से हो जाता है, थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है अलग से नहीं, पर अभी तो दोनों साथ में कर रहे हैं, कभी मन करे जब टेक्निकल पढ़ के बोर हो जाते हैं तो फिर नॉन टेक लेते हैं साथ साथ में, और जो मेरे सारे ग्रुप वाले वो डिस्कशन करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, तो फिर उनके पास से भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है। हाँ, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका सराउंडिंग कैसा है, ये आप बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है कि आप आगे कैसे होगे, क्योंकि आपका अब जैसे आप कह रहे हो कि आप अपने खाली टाइम में नॉन टेक पढ़ते हो या उनके डिस्कशन में, तो वो भी एक तरह से पढ़ाई है। ज्योति, आपका क्या प्रोसेस, आपका क्या शेड्यूल होता है दोनों साथ या फिर? एक्चुअली मैंने 2007 में पास आउट किया था अपना ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने 1.5 ईयर के लिए जॉब किया था, और जॉब के साथ साथ मैं नॉन टेक की तब प्रिपरेशन करती थी, और मैंने पीपा क्लियर किया था 2017-18 का, उसके बाद पीपा क्लियर करने के बाद मैं टेक्निकल और नॉन टेक दोनों की प्रिपरेशन साथ में करती थी, उसका एक रीजन है क्योंकि तब ज्यादातर टेक्निकल की इतनी ज्यादा सीट साथ ही नहीं थी एग्जाम्स के लिए, तो नॉन टेक करना भी जरूरी था, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि मैंने नॉन टेक्निकल बहुत ही कम मेहनत की थी, और मैंने इजीली आरआरबी जेई क्लियर किया था और जीएसआरटीसी का क्लास टू क्लियर किया था, लेकिन वेरिफिकेशन में एक डॉक्यूमेंट नहीं था मेरे पास, तो उसका वेरिफिकेशन में मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, टेक्निकल में कम मेहनत से ज्यादा फल मिलता है, तो फिर मैंने नॉन टेक छोड़ दिया था और मैं टेक्निकल के ट्रैक पे ही चलती गई, तो मुझे सक्सेस मिली है, और मैं अगर आगे भी मैं यही सोचूंगी कि मैं ओनली टेक्निकल ही करना चाहूंगी, अगर हो सके तो ईएससी तक, लेकिन ओनली टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक में क्या है ना कंपटीशन ज्यादा है, और वैसे मेरा टेक्निकल बहुत बढ़िया है, तो मैं सोच रही हूँ कि टेक्निकल कंटिन्यू रखूं, क्योंकि क्या होता है सिर्फ नॉन टेक टेक दोनों लेने जाए ना, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि दोनों में से कुछ नहीं मिलता, तो इससे अच्छा कि अपना एक गोल रखें। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये दोनों लोगों से है, बारी बारी से हम डिस्कस कर लेंगे, तो पहले ज्योति आप ही बता दें शेड्यूल क्या होता है आपका डेली का, अगर हम पढ़ाई का शेड्यूल की बात करें तो आप कैसे शेड्यूल बनाती हैं और कैसे करती हैं, और जब नहीं पढ़ती हैं तब क्या करती हैं?
पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, अगर नहीं पढ़ना बीच बीच में, जैसे मान लीजिए आपने ब्रेक लिया, मान लीजिए 1-2 घंटा पढ़ाई किया, 3 घंटा पढ़ाई किया, फिर ब्रेक लिया, तो क्या करती है जनरली? कुछ नहीं, तो सॉन्ग सुनती हूँ, वीडियो सुनती हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, क्योंकि कॉलेज और सब कुछ कंप्लीट हो गई है, तो इतने ज्यादा फ्रेंड्स और कुछ होता नहीं है, तो ऐसे ही टाइम पास होता है, मतलब चाय पीने चले जाओ या सो लो, ये बेस्ट ऑप्शन है, नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन ब्रेक में तो ज्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ, और अगर 2-3 दिन का ब्रेक मिले तो मैं अपने होम टाउन चल जाती हूँ, ये बढ़िया रहता है मेरे लिए। बता दीजिए, शुरू में हमने डिस्कस भी नहीं किया कि आप लोग हो कहाँ से, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, डायरेक्टली हमारा इंटरव्यू चालू हो गया, तो कोई बात नहीं। होम टाउन कहाँ पे आपका? मेरा होम टाउन कोडिनार में, गुजरात के सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें कोडिनार एक शहर है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और आप फिलहाल में प्रिपरेशन के लिए गांधीनगर, यस गांधीनगर रहती हूँ। ओके ओके, मेरा अहमदाबाद में हुआ है, तो आई थिंक 7-8 साल यहाँ ही रही हूँ। तो अभी एक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ हमारा, जैसे कि आपका डेली का रूटीन क्या होता है, कितने टाइम पढ़ती हैं आप, और सुबह पढ़ती है शाम पढ़ती है? बहुत लोग जानना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो रात में पढ़ते हैं या सुबह पढ़ते हैं, मतलब तो वही टाइम उनको चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि उनका दिमाग ज्यादा काम करे। मैं क्या करती थी, पहले रात को बहुत पढ़ती थी, पहले मैं मतलब 5 बजे सुबह लाइब्रेरी चली जाती थी और रात को 12 बजे आती थी, खाना पीना और टिफिन मंगा लेती थी वो लाइब्रेरी में, और पूरा दिन वहां ही रहती थी, और 5 आवर होती थी, उससे ज्यादा नहीं सोती थी। लेकिन बाद में मुझे सक्सेस नहीं मिली, इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन उसके बाद मैंने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6-7 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी, और 7 बजे से लेकर अभी तो फिलहाल 8 बजे तक ही लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी 12 बजे तक होती है, तो 12 बजे तक लाइब्रेरी रहती, फिर 12 बजे आके सो जाती हूँ, और पूरा दिन 3-3 घंटे कंटिन्यू सब्जेक्ट लेती हूँ, जैसे कि 3 घंटे मैंने टेक्निकल किया, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ घर पे बात करना, और जैसे कोई सॉन्ग सुनना जिससे मुझे रिलैक्स फील हो, उसके बाद वापस से 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ, इस तरह से मेरा शेड्यूल डेली का रहता है। ओके ओके, नीरज पूरा दिन लाइब्रेरी में ही जाता है। नीरज अगर आपकी बात करें तो आपका दिन का शेड्यूल क्या होता है, कितना पढ़ाई करते हैं आप, और पढ़ाई के अलावा आप तो जैसे कि मतलब एथलीट जैसे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप रेसिंग वेसिंग करते हैं या फिर कुछ भी, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपका क्या शेड्यूल रहता है? अभी तो सर वो बैक पेन की वजह से एक्सरसाइज वगैरह बंद किया है, नहीं तो सुबह उठ के सुबह छत पे जाके एक्सरसाइज करते थे, फिर फ्रेश होकर 8 बजे लाइब्रेरी जाते थे चाय मार पी के, फिर 8 से 2 घंटे पढ़ो, फिर चाय पीने, फिर उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाओ, पूरा दिन लाइब्रेरी में जाता था, वैसे 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद मन ना करे चाय पीने चले जाते थे, वैसे लड़कों को चाय ज्यादा पसंद होती है ना। हाँ चाय तो पसंद होती है, चाय के साथ बहुत सारे लोग कुछ और भी लेते हैं। नहीं नहीं, ठंडियों के टाइम में तो ज्यादा, हमारे साथ वाले तो रात में पागल हो जाते थे, नहीं भाई नहीं मिलेगा ना तो नहीं जग पाएंगे, चलो चलो खैर कोई बात नहीं, हाँ आगे कंटिन्यू करें आप। सर हम ड्राई स्टेट में ना, नहीं ड्राई स्टेट की लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भी ड्राई चीज की बात कर रहा था, खैर कोई नहीं आप कंटिन्यू करें। नहीं तो वो मैं पहले तो थियरी ज्यादा पढ़ता था, जब मैंने मैकेनिकल से क्लास की, दिल्ली से कोचिंग की थी इसके लिए, टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग के बाद, तो वो वहाँ से क्लास के बाद तो वो थियरी पोर्शन मेरा स्ट्रांग हो गया था, फिर आरएस स्कूल में भी मैंने बहुत बार पढ़ी, 8-10 बार तो पढ़ी होगी मिनिमम, तो वो भी अब तो सारा उसका क्वेश्चन भी सारे रट लिए मैंने, अब फिर तो ESC का गेट के भी रिविजन कर लेते हैं कभी कभी मन कर, तो ज्यादा मैं 1-1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ कभी कोई भी सब्जेक्ट, फिर बोर हो जाते हैं, और बीच बीच में वीडियो देख लिया स्पोर्ट, और जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन तो पढ़ाई नहीं होती है बिल्कुल भी, पूरा दिन मैच देखते नहीं जाता। मतलब देखो नीरज का भरोसा करके आप सब लोग IPL या फिर दूसरे क्रिकेट में मतलब जाना भाई, जिनका सिलेक्शन हो गया है तो क्रिकेट विकेट दिखाएंगे आप लोगों को, खैर कोई नहीं। नीरज नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेरा दोनों लोगों से है, पहले नीरज से ही शुरू करते हैं। नीरज आप ये बताएं, जैसे पढ़ने का तरीका क्या होता है आपका, कई बार क्या होता है लोग बुक लेके पढ़ते हैं, हमने टेक्निकल बुक्स की बहुत सारी बातें कर ली है, तो यहाँ पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक एग्जैक्ट मैसेज है, जो अभी क्या है कि ये ऐसा टाइम चल रहा है ना कि कुछ टाइम बाद लोग पास आउट होंगे, फाइनल ईयर उनका कंप्लीट होगा, जून चल रहा है तो जल्दी होगा एग्जाम होगा, तो
तो नए बच्चे आएंगे उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं कि अगर पढ़ते हो आप तो क्या सही तरीका है, आप लोग कैसे पढ़ते हो, लिखना भी साथ में होता है, मार्किंग कैसे करते हो, पॉइंट नोट डाउन कैसे करते हो, थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताओ ना आप अपने तरीके से। सर अब तो रेफरेंस बुक तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है किसी को भी अलग से। तो ऑनलाइन क्लास नोट्स भी अच्छे मिल जाते हैं कोचिंग के, वो खरीद लो, कोचिंग करने की भी जरूरत नहीं वैसे तो। और वहीं से रिवीजन स्टार्ट करो, वहीं से रिवीजन स्टार्ट करो, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और साथ में अपना अलग से नोट्स बना लो और फिर नोट से रिवाइज करते रहो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ठीक से इतना ही आता है, बहुत कुछ वो अलग से नहीं आता है, तो उससे हिसाब से जो जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसकी तैयारी करो अलग से, और अपना नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करने के टाइम अलग से उसमें से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो, तो रिवीजन में आसानी रहती है। फिर जो जो सब्जेक्ट किया उसमें पहले कुर्मी में से जैन में से रिवीजन करो, फिर इतना हो जाता है तो फिर उसके बाद ईएससी की गेट के जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है वही करो। जो कॉम्पिटेटिव के लिए कर रहे हैं ईएससी वगैरह के लिए नहीं, जो स्टेट के लिए, उसमें मैथ्स वाले जो कैलकुलेशन वाले अवॉइड करे तो चलता है सर, वो ज्यादा पूछते भी नहीं है बहुत अब तो उसमें तो वही रहता है। और बस रिवाइज करते रहो सारे सब्जेक्ट, जब तो एग्जाम ना आए तो 2-3 बार रिवाइज कर लो आज। ओके और जो शॉर्ट नोट से वो लास्ट में रिवाइज करो। पर मेरा है वो एक कहना था कि वो पूरे दिन पढ़ो, आज सुबह 8 से रात को 12-1 बजे तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब मन करे ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, वो बोर होते हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं है कि पूरे दिन 8 बार पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए अच्छा एक लगे तो चीज, 8-9 घंटे भी। हाँ एक क्वेश्चन और आपने मुझे याद दिला दिया, मैं वो भी आपसे पूछ लेता हूँ ज्योति, आप भी याद रखना अगर मैं आपसे भूल जाऊँ पूछना तो। जैसे क्या होता है कि दो तरीके से हम टारगेट बनाते हैं, एक तो हम ये टारगेट बनाते हैं कि हमको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं या 5 घंटे पढ़ने हैं, ओवरवाइज टारगेट होता है। एक टारगेट ये बना सकते हैं हम कि हमको आज ये चैप्टर पढ़ना है या हमको ये थियरी पढ़नी है, तो आप किस तरीके से टारगेट बनाते हैं थे कि मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं या फिर मुझे पर्टिकुलर ये थियरी आज खत्म करना है, कोई ऐसा शेड्यूल होता था या फिर रैंडम? स्टार्ट में जब जो क्लास क्लासेस खत्म हो गए फिर स्टार्ट किया अपने आप से, फिर स्टेट पीएससी के लिए तब वो ऐसे करता था कि 3-4 दिन में ये सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना है पूरा और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं वो सब। अभी तो वो क्या है कि अभी तो सारे क्वेश्चन ही लगाते हैं, लगता है कि एक थियोरी छूट रहा है तो फिर उसको रिवाइज करते हैं, अभी तो वो थियोरी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और स्टार्ट में पूरा रिवीजन करके बैठते थे पूरा, ऐसे नहीं कि बुक ले लिया फिर सारे कोई 2-3 क्वेश्चन के बाद बुक नोट खोलना पड़े ऐसा नहीं, रिवाइज करके बैठते हैं तो सारे 80 से 90% को हो जाते हैं क्वेश्चन आराम से। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बुक्स में टिक कर लेते हैं कि इसमें तकलीफ आ रही है, तो फिर दूसरी बार रिवाइज करते वक्त उसी को ही पढ़ते फिर। चलिए ज्योति अब आपसे हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका कैसे पढ़ाई का तरीका क्या होता है, आपका कुछ नीरज से अलग है, कुछ अलग तरीका है या जो भी आपकी स्टडी होती है, कैसे आप पढ़ाई करती थी, रिवीजन नोट्स कैसे बनाती थी आप? पहले तो मैं एग्जाम डिसाइड करती थी कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, उसका सिलेबस पहले डाउनलोड करती थी, बाद में पेपर देखती थी कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसपे हमें ज्यादा वेटेज मिलता है ऑल ओवर, फिर उस सब्जेक्ट को फर्स्ट रखती थी। और पहले मैं उसके उसके सारे टॉपिक रेफरेंस बुक में क्लिक कर देती थी कि इतना टॉपिक मुझे कवर करना है, और मैं अवर्स के हिसाब से नहीं टॉपिक के हिसाब से पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचती हूँ कि मतलब आज 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो वो 2 कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा सब्जेक्ट में चेंज नहीं करती, लेकिन 2 टॉपिक 3 आवर्स के बीच में ही खत्म हो जाने चाहिए, जैसे कि नीरज ने बोला कि बाद में फिर बोर हो जाते हैं इसलिए। और पहले मैं शॉर्ट नोट बनाती हूँ, पहले थियोरी मतलब मैंने जैसे बोला कि आई एम कैंप थियोरी हमें लगे वो मैं पहले कवर करती हूँ, उसके बाद उसको अप्लाई करने के लिए खुरमी या फिर वाइस सिटी, इन दोनों में से कोई भी एक जो भी टॉपिक के लिए अच्छी लगे वो मैं अप्लाई करने के एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ उसमें से, और नोट्स में अपना मतलब अपनी तरफ से खुद बनाती हूँ, और वो नोट्स ही मेरे लिए बेस्ट रहता है। तो नोट्स बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार भी हम नोट्स बना ले तो हर एक एग्जाम में वो सिलेबस तो सेम सेम थोड़ा आएगा ही, 90% सेम ही आता है। तो GPSC का तो मोस्ट प्रोबेबली सेम रहता है, GPSC अभी चेंज करना स्टार्ट किया है। जीपीएससी का भी 50% तो सेम ही है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है और आईसी है, तो उसमें वो लोग क्या चेंज करेंगे, तो एक बार अगर नोट परफेक्टली बना दी होगी तो फिर रिवीजन करने में आसानी होगी, अगर 1 वीक भी मिल जाए तो कोई भी एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा अगर नोट बनाई हो तो, वरना नहीं होगी। तो मैं नोट बनाती हूँ और उसको रिवाइज करती हूँ।
चलिए एक क्वेश्चन अब यहाँ से है कि मान लीजिए आप ये भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन रहेगा आप दोनों लोग से रहेगा, दोनों लोग का पर्सपेक्टिव जानना है। अब बहुत बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, आप दोनों लोग गांधीनगर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने कोचिंग किया है ज्योति? नहीं मैंने कोई कोचिंग नहीं। अच्छा, आपने कोचिंग नहीं किया है। तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई फंक्शन आ गया घर पे या कॉल आ गया कि बिटिया बहुत दिन हो गया तुमको देखे, मन कर रहा है आ जाओ, तो इस टाइप का डिस्ट्रक्शन भी होता है, घर वाले परेशान करने लगते हैं कभी कभी, किसी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, तो अगर हम काउंट करें तो 15 days, 13 days में कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है। तो अटेंड करते थे आप लोग या फिर त्याग दिए थे कि नहीं अभी नहीं जाना? सर मैंने तो एक भी अटेंड नहीं किया, मेरे कजिन का मेरिज था मतलब एक दो मंथ पहले, तब भी मैं नहीं गई थी, और लॉकडाउन पूरे लॉकडाउन में भी मैं गांधीनगर रही थी, तो मैं एक साल में सिर्फ दो ही बार घर जाती थी। और हाँ, जैसे कि आपने बोला फैमिली तो फोर्स करती है कि आओ, लेकिन वैसे सपोर्टिव फैमिली है, तो अगर एक बार मैं मना कर दूँ ना तो दोबारा पूछते नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होता। और मेरे भाई का मतलब कजिन का मेरे था, तो तब भी मैं नहीं गई थी, तो किसी ने ऐसे मतलब काउंट क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों नहीं आई, और ऐसा चलता है। और तब तो मेरा आरटीओ का एग्जाम बिल्कुल नजदीक था और मुझे लगा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं गई थी। घर पे सबसे ज्यादा कौन बुलाता है कि नहीं आ जाओ, बहुत मन कर रहा है देखने का, कितना दिन का गई हो, 6 महीना हो गया? पापा पापा करते हैं, पापा मम्मी को बोलते हैं कि आप किसी भी तरह से उसे मनाओ, फिर मम्मी मुझे बोलती है ये खाना बनाऊंगी, वो खाना बनाऊंगी, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, मतलब ऐसे बहुत कुछ कहते हैं कि घर आ जाओ, लेकिन वैसे मन भी करता है घर जाने को, लेकिन क्या करे एकदम नजदीक होती है तो कहाँ से जाए। मतलब आपका खाना में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या कि मम्मी खाना से मनाना शुरू करती है आपको? खाने में इंटरेस्ट है, लालच नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मिलता नहीं, नहीं, मम्मी मम्मी खाना बना के रख दी, फिर वीडियो कॉल करके दिखाने, देख बेटी तुम्हारे लिए बनाया हूँ, और आप कह रहे मम्मी अब कंट्रोल नहीं होगा, अब घर आना पड़ेगा। आज थोड़ा तो ऐसा रहता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है, जब प्रिपरेशन करते हैं ना तब करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन पापा को मतलब मैं चाहिए ही चाहिए, मतलब उनको ऐसा है कि एक मंथ में तो मुझे एक बार देखना ही होता है उनको, तो वैसे वीडियो कॉल कर देती हूँ, लेकिन फिर कहते रहते हैं अच्छा तो नहीं लगता मना करना, लेकिन क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। हाँ बिल्कुल। अब घर में कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है कि नहीं नहीं तुम पढ़ाई करो, मतलब इन शॉर्ट की क्या होता है कि मतलब माता जी को मेरे तरफ से कि सबके घर में आपके अपोजिट होता है कि मम्मी बुलाती हैं, पापा कहते हैं कि नहीं पढ़ने दो उसको, एग्जाम आ गया है, आपके घर में उल्टा हो रहा है, पापा बुलाते हैं मम्मी कहती है पढ़ने दो। हाँ पापा को मैं चाहिए ही चाहिए, मतलब क्या है कि बहुत सालों से मैं बाहर रहती हूँ, आई थिंक 10 ईयर हो गए हैं मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए रहती हूँ, तो साल में 2-3 बार घर जाती हूँ, और पापा को ये अच्छा नहीं लगता, पापा बोलते हैं कि तू मेरे पास ही रह, यहाँ पढ़ाई कर रहे सर, तो मम्मी बोलती है कि नहीं उसे पढ़ना है तो पढ़ने दो, तो सपोर्टिव तो दोनों है, लेकिन पापा थोड़े ज्यादा इमोशनल है। वैसे तो फीमेल को कहा जाता है ज्यादा इमोशनल होती हैं, मगर अंकल जी ज्यादा इमोशनल, कोई बात नहीं। अब ये सेम क्वेश्चन मैं, लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा होता है ना? हाँ ऐसा बेटी हो तो पापा ज्यादा इमोशनल होते हैं, लड़के के लिए भी होते हैं, मगर मुझे लगता है दिखाते नहीं है, सामने से थोड़ा सा बिहेव करते हैं ऐसा कि बेटा नहीं, नीरज से जानते हैं ये क्वेश्चन की इनको कौन ज्यादा, तो नीरज आपसे भी वही सवाल है कि जैसे मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दिल्ली भी गए हैं, तो घर के फंक्शन हो या रिलेटिव्स के फंक्शन हो, कितना अटेम्प्ट कर मिलता है जाने को, या जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाते हैं? और सेम वो ज्योति वाला क्वेश्चन कि घर पे कौन ज्यादा बुलाता है आपको? सर जब स्टार्ट में प्रिपरेशन शुरू किया तब तो फैमिली फंक्शन थोड़े बहुत अटेंड करते थे, पर धीरे धीरे होने लगा, सब पूछने लगे कि क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पास किया नहीं किया, सब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं बार बार, फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल इसके बाद तो कोई बुलाता तो भी नहीं जाने, ऐसा लगता है कि तो मेंटली टॉर्चर कर देंगे सब। नहीं फिर तो लगता था कि अब नहीं जाना, फैमिली फंक्शन में जाने का मन ही नहीं करता था फिर तो, कि कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे, कुछ कर नहीं रहे थे, जॉब भी नहीं लगा था कोई भी, तो फिर तो धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत क्लोज भाई का या वगैरह कुछ तो जाते थे, नहीं तो नहीं, बहुत ज्यादा अवॉइड ही करते थे फैमिली फंक्शन बाद में, तो लास्ट 2 साल से तो फ्रेंड का होता था तो कई बार चले जाते थे, नहीं तो फ्रेंड भी गाली देते थे,
नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ रहा है जैसे आईएएस बनने वाला है ऐसे कुछ बोलते तो फिर जाना पड़ता था। ये मतलब ये ताना जो है ना ये यूनिवर्सल ताना है, मतलब कोई भी लड़का जो है ये मुझे लगता है ना कि बचपन से आईएएस सुनते सुनते ये कोई ऐसा आदमी नहीं तैयारी करने वाला जो सुना होगा कहीं, अगर आप अवॉइड करते हो वही मिलेगा कि हाँ देखेंगे ना तुम पढ़ के आईएएस बन जाओगे और एक ही दिन में सब पढ़ लोगे, आज ही के पढ़े आईएएस बन जाओगे। नहीं वो तो फ्रेंड का तो रहता ही सर, वो तो गाली भी देते हैं सुननी पड़ती फिर नहीं जाते, तो उसके लिए तो वहाँ के लिए तो टाइम निकाल लेता था। पर क्या है फैमिली तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है सर, पापा तो कभी कुछ बोलते नहीं, नहीं हुआ है तो कि अगली कुछ बड़ा एग्जाम लिखा है तेरे लिए अच्छे बोल के सपोर्ट करते रहते थे। और मम्मी वगैरह तो कैसे पूछती ही नहीं कभी, उनको तो पता ही नहीं उनका बेटा कौन सा एग्जाम दे रहा है क्या पढ़ा है वो भी नहीं पता होता था, वो तो हम अपने काम में मस्त करेंगे। तो सब फैमिली का तो कोई प्रेशर नहीं जैसा प्रिपरेशन में, पर वो सोशल प्रेशर बोलते हैं ना एक तरह से कि लोग दूसरे लोग ज्यादा रिलेटिव ज्यादा बोल रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा है ये सब वगैरह, तो फिर तो मैंने सोशल फंक्शन में जाना ही बंद कर दिया था लास्ट 2 साल में। तो पापा कुछ कहें चाहे नहीं कहें मगर जो रिलेटिव होंगे कि अरे आपका लड़का इस ईयर का पास आउट है कुछ कर रहा नहीं कर रहा, अच्छा उनका तो यहाँ पे हो गया आपका कुछ भी करके घुमा फिरा के उनको ज्यादा, मगर ये बहुत आपने उसमें ज्यादा वैकेंसी थी तो फिर उसमें मेरा हो गया था, फिर इंटरव्यू था साइकोमेट्रिक सब हो गया था पर ज्वाइन करने का मन नहीं था उसमें मेरा, तो कुछ रिलेटिव को पता चला हुआ था तो मुझे वो बोलने आता था कि ज्वाइन कर लो और ज्वाइन कर लेना चाहिए सब वगैरह, पर पापा बोलते थे तेरे को जो मन करे वही करके वो करना है तो नहीं करना तो कोई क्वेश्चन नहीं था करते तो। पर उसका अच्छा हुआ कि उसका ज्वाइनिंग भी अभी मार्च में उसका ज्वाइनिंग ले पाया था तो मुझे पता था का पर आईटीआई तभी तो आईटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी खत्म हो गया था तो फिर मुझे पता था आईटीआई होने वाला तो मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी वो मेट्रो वाला। तो पर फैमिली से ज्यादा हुआ ना सोशल से ज्यादा रहता था, वो लोग पूछते रहते हैं तो फिर जाने का मन ही नहीं करता कि यार फ्रेंड से मिलो और पूछ रहे हो। ये वीडियो ना आप पूरी फैमिली वालों को भेजना और कहना कि अगर तुमको पूरा नहीं देखना है ना तो ये जहाँ पे है मैं बता दूंगा इतने मिनट वो तुम वो वाली सीन देखो जरूर, तुमको मैंने बहुत कोसा है तुम लोगों ने मेरा बहुत खून दिया था। नहीं वो घर पे मेरी सिस्टर है ना वो तो फोन करके बोली आज आप 2 महीने हो गए घर पे नहीं आ रहा है तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा वही सब, वो और मेरी बड़ी आंटी हमारे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम सब तो अच्छा होता है, वो बड़ी आंटी है वो भी बुलाती है घर तो आजा घर थोड़े दिन रह के जाना, वो तो घर से आने भी नहीं देती। मैं जाता हूँ सैटरडे जाता हूँ घर और मंडे को तो सुबह निकल जाता हूँ वापिस, तो संडे सारे फ्रेंड्स भी मिलते हैं वो जॉब करते वो भी घर आए होते हैं, 2-3 महीने में एक बार ही जाता हूँ ज्यादा नहीं जाता हूँ वैसे काम के बिना, तो मेरा तो गांधीनगर से नजदीक 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। पर यार गांधीनगर में खाने का तो कोई दिक्कत नहीं, जो आंटी के हम खाना जाते हैं ना धर्मिष्ठा आंटी करके वो जो बोलते हैं वो सब घर की तरह खिलाती है साथ, तो अच्छा है खाने का तो कोई दिक्कत नहीं है गांधीनगर में, वैसे भी कुछ भी हो जाए खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको सूरत रहे तो आपको पता होगा गुजरातियों का खाने का भाई सूरत में तो मैं सूरत में आके मुझे पता चला कि अंडे की कम से कम 150 रेसिपी बनती है, हमको पहले दो ही पता था कि या तो अंडे बॉयल करके खा सकते हैं या तो ऑमलेट बना के खा सकते हैं, तो वहां पता चला नहीं भाई कुछ भी बना के खा सकते हैं अंडे का। एक चीज मैं यहाँ पे सीरियसली बोलूंगा कि बहुत बार क्या होता है बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आता है तो ये पता चलता है कि जो पेरेंट्स है ना कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं पेरेंट्स को जाने या अनजाने हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं बट उनकी कई पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि एग्जाम की डिमांड क्या है कितना टाइम लगेगा कंपटीशन का लेवल क्या है, तो अनजाने में भी वो बार बार बच्चे को कहते रहते हैं और बच्चा क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट होता रहता है। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियल से ज्यादा उनको मोरल स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप उनको मोरली सपोर्ट करते हैं ना तो बच्चे का माइंड बूस्ट होता है, नहीं तो अदरवाइज उसके दिमाग में ये ज्यादा घूमता रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो बापू क्या कहेंगे मम्मी क्या कहेंगी मैं क्या करूंगा, तो माइंड स्टेबल नहीं रहता है। तो अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो आप पैसे में थोड़ा एडजस्ट कर लें, बच्चा वो झेल जाते हैं उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट थोड़ा मोरली उसको सपोर्ट करेंगे नहीं बेटा हो जाएगा। और आपके पिताजी तो ऐसे फादर पे तो फादर मतलब सपोर्ट करते हैं बट बहुत बार क्या होता है अनजाने में उनको नहीं पता होता है कि बच्चे का साइकोलॉजी कैसे क्रिएट होती है तो वो कहते हैं, खैर कोई बात नहीं। नील जैसा कि आपने मुझे बताया था इससे पहले हमारी बात हो रही थी कि स्पोर्ट्स के भी कुछ वेटेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में हैं,
क्या वेटेज होता है उसको बताएं, और प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं अगर आपको वेटेज का फायदा चाहिए तो, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं? तो हमारे गुजरात में होता है कि सर जो क्लास थ्री सुपर क्लास थ्री की जो पोस्ट होती है उनमें स्पोर्ट्स कोटा के भी मार्क्स होते हैं, तो आप प्रीलिम्स में जितना मार्क्स लाते हैं उसके उसके 5% मार्क्स आपके ऐड होते हैं प्रीलिम्स में। तो उसके लिए आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या स्कूल गेम्स में नेशनल लेवल पे खेले या इंटरनेशनल लेवल पे खेले होने चाहिए, ऐसा होता है। मैं मेरा खुद का ये आर एस का जो रिजल्ट है इसमें भी 5% ऐड हुए मेरे प्रीलिम्स में उसके रिजल्ट में। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जी टी यू की टीम से बड़ी खेला हूँ। तो अब धीरे धीरे हम इंटरव्यू के लास्ट साइड बढ़ रहे हैं, तो नीरज आप चूंकि बात कर रहे हैं तो आपसे ही शुरू करते हैं। अगर कुछ छूट गया हो जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूं, और आप कुछ अपने तरफ से जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एडवाइस देना चाहें, क्योंकि आपके पास एक वाइड एक्सपीरियंस है, एग्जाम्स आपने दिए क्वालिफाई नहीं हुए, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम दिए जिसमें क्वालिफाई भी हुए, नॉन टेक में भी क्वालिफाई हुए, तो अगर आप कुछ अपने तरफ से स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहते हैं तो। हाँ सर, मैं एस्पिरेंट को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो पूरा मन बना के स्टार्ट करो, बीच में छोड़ना नहीं है, फिर एक बार जो भी हो जाए पूरा करके ही जाना है घर पे, नौकरी लेके ही जाना है फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ बार ऐसा होता है कि कोई भी रीजन से एग्जाम लेट हो जाता है, वो मेरे सारे एग्जाम लेट हुए जो मेरे टेक्निकल के थे ना, पहले ई का था आरटीओ का था, वो ईडब्ल्यूएस की वजह से लेट हुआ, उसके बाद कोरोना की वजह से लेट हुआ पूरे एग्जाम, तो वो हो जाता है कि डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं पढ़ना है क्योंकि पूरा वो वही रिवाइज करके भी बोर रह जाते हैं आप। पर क्या है ना कि अब करना तो पड़ेगा, एक बार आए तो इसमें क्या है कि हिम्मत नहीं हारनी, पूरी मेहनत करते रहो पढ़ते रहो तो हो जाता है। अगर मेरे पूरे मैं 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तभी जाके अभी सिलेक्शन हुआ मेरा, ऐसा नहीं है कि ये 2 एग्जाम दिए और पास हो गए, मैंने कुल 12-13 एग्जाम दिए टेक्निकल के, कभी ये हुआ है आई टी आई का मैकेनिकल को हुआ, आर टी ओ का क्लास 2 का भी अच्छा रहा एग्जाम, और जो अभी टेक्निकल असिस्टेंट का एक रिजल्ट आया आपने विजय भाई का इंटरव्यू लिया था उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे, पर कंप्यूटर में कम मार्क्स आए मेरी मेरी मिस्टेक की वजह से, तो उसमें वेटिंग में मेरा 5वां नंबर। ओके। तो वही बोलना चाहूंगा सारे एस्पिरेंट्स को कि हिम्मत मत हारो, जब जॉब लगनी स्टार्ट होती है तो बहुत सारी हो जाती लाइन लग जाती सर, जो हमारे ग्रुप में अनिरुद्ध से राजपूत करके जो अभी जीएससीएल में उनका हुआ, टेक्निकल असिस्टेंट में उनका भी हुआ है, तो उनको भी नहीं थी तो कोई जॉब नहीं थी, पर अभी लगने लगे 2-3 साल में आई जॉब, जब स्टार्ट होता है ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, जो छप्पड़ फाड़ के आप सारा ले रहे हो, ये भी कमेंट करेंगे भाई एक आध हमारे लिए भी छोड़ दो सारा, तुम ही क्वालिफाई करोगे। ज्योति, सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर आपकी तरफ से कोई एडवाइस है एस्पिरेंट्स को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बताइए। मैं नीरज से एग्री हूँ कि सोशल बहुत मतलब सोसाइटी में बहुत सारी बातें होती है, इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं स्टूडेंट, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और हिम्मत रखनी है, और कोई नहीं कोई एक एग्जाम सिलेक्ट करो और उसकी 100% अपनी दो और प्रिपरेशन करो तो हो ही जाएगा। मैंने एक्चुअली 6 एग्जाम दी है टेक्निकल की और मैं 5 एग्जाम मैंने पास किया, तो मैं एक भी एग्जाम फेल नहीं की टेक्निकल की, तो एक भी नहीं की मतलब एक ही की है और कोई नहीं की, मतलब टोटल 6 एग्जाम दी थी। तो मैं यही कहूंगी अगर आप 100% अपना दोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, अगर फिर ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फ्रस्ट्रेट तो सारे स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट नहीं होते, तो उसको कॉमन एक सिचुएशन समझ के छोड़ दो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और 100% दो तो हो जाएगा। और मैंने जैसे नीरज ने बोला छप्पड़ फाड़ के देते हैं, बस मेरा भी ऐसा ही है कि मैकेनिकल में हो गया, आरएससी में हो गया, अब एमबीए आरटीओ क्लास 2 में प्रीलिम्स हो गया है, उसका इंटरव्यू बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, तो हिम्मत रखिए और मेहनत करें। चलिए एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ आप लोगों से, याद आ गया अचानक से। हाँ अभी नीरज आपसे भी पूछेंगे तो आप उसमें ऐड कर लेना, अभी पहले ज्योति से पूछ लेता हूँ फिर आप ऐड कर लेना उसमें। ज्योति बताएं कि फ्रस्ट्रेशन होता होगा, फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये एक ह्यूमन फिनोमिना है, ठीक है, तो आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या है? जैसे मान लीजिए आप फ्रस्ट्रेट हो गई, आज आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो आप क्या करती थी अगर आप बताना चाहे तो, कि और कौन सा पर्सन है या फिर क्या देखती थी क्या करती थी कि थोड़ा मोटिवेशन मिले और फिर से रिस्टार्ट कर पाए? देखो मैं तो मोटिवेशन के लिए अपने मॉम डैड की फोटो अपने पास रखती हूँ, जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं उनको देखती हूँ और मुझे लगता है कि बस मुझे जो भी करना है सिर्फ इनके लिए करना है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन कहीं छू मंतर हो जाता था,
और कई बार वैसे छोटा मोटा फ्रस्ट्रेशन हो तो फ्रेंड्स को मिलने जाती थी, गेट टुगेदरिंग करते थे, तो क्या मन हल्का हो जाता कि नहीं अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में है, सोचते दूसरों का दुख से खुद को ज्यादा ज्यादा खुशी मिलती है, थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाता है कि नहीं अब प्रिपरेशन करनी है तो फिर कर ही लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन और ये तो नॉर्मल है, वो तो होगा ही, तो अगर उससे डिमोटिवेट ना होकर खुद का मोटिवेशन खुद ही बने ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, तो नीरज आपसे रिपीट है और आप कुछ बताना भी चाह रहे थे अपने मन से, तो वो भी बता दीजिए, और ये क्वेश्चन कि आप अगर फ्रस्ट्रेट होते थे तो क्या करते थे? नहीं सर, प्रिपरेशन करते वक्त फ्रस्ट्रेशन, सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दो तीन महीने में एक बार ऐसा हो ही जाता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ नहीं मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, नहीं अब कुछ होगा नहीं होगा, वो सब के दिमाग में आता है सर। अगर उसके मेरे हमारे तो यहाँ पूरा बड़ा ग्रुप था, साथ में 8-9 लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो स्कूल के वक्त से, तो कोई ना कोई फ्रेंड समझा देता था कि ऐसा नहीं है, तो हो जाता है कभी कभी वो वगैरह, तो फिर वो दिन पढ़ते नहीं थे वो वेब सीरीज वगैरह। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वो एस्पायरेंट करके एक वेब सीरीज आए ना, वो भी अच्छा हुआ, परीक्षा करके एक वेब सीरीज है, वो बुलबुल करके उसमें कैरेक्टर है उसका भी, वो मैं वेब सीरीज वगैरह जब फ्रस्ट्रेट होता था वेब सीरीज वगैरह देखता था ऐसे अच्छे अच्छे, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, नहीं तो फ्रेंड्स सारे ऐसे थे कि वो डिमोटिवेट होने ही नहीं देते थे, वैसे चाय पीने ले जाते फिर 5-20 मिनट समझा देते तो अपने आप मूड आ जाता था फिर वही तो पढ़ने का। बिल्कुल, वेब सीरीज मान लीजिए एक बार मैंने एक वेब सीरीज देखना स्टार्ट किया, मैं नाम नहीं लूंगा वेब सीरीज का, और वो ठीक है मैं बताऊं आपको कि मैं उस वेब सीरीज को शाम को देखने बैठा और सुबह तक जब तक उसके जितने एपिसोड थे खत्म नहीं हुए तब तक देखता रहा, और उसके बाद मैंने कान पकड़ा कि आज के बाद मैं किसी वेब सीरीज को शुरू ही नहीं करूंगा, और स्पेशली वो वेब सीरीज जिनके एपिसोड तुरंत तुरंत आ रहे हैं, अगर कोई मान लीजिए 15-20 मिनट की आ गई छोटी मोटी वीडियो तो वो देख लेता हूँ, तो एक ये भी एडिक्शन भी होता है, उसको भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बारी बारी से वेब सीरीज लगाते रहे आप लोग और पता चले कि पूरा टाइम वेब सीरीज में। खैर नीरज आप कुछ और बताना चाह रहे थे कि यही था वो, मैं वेब सीरीज का बताना चाह रहा था कि मोटिवेट रहना है, अच्छी अच्छे वेब सीरीज देखो, वो नहीं बहुत सारे वेब सीरीज, अब तो वेब सीरीज का कल्चर हो गया तो बहुत सारे आ रहे हैं, और जो हमारे एडवांटेज के लिए अच्छे हो वही देख के, पंचायत करके गाया था वो भी स्पेशल, जिसको इंटरेस्ट हो वो सब वो उसमें भी प्रिपरेशन साथ में जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे वो, ऐसे अच्छे अच्छे जो आपको मोटिवेट करे ऐसा प्रिपरेशन देखो। मैं और एक बात है कि मैं सुबह योगा और एक्सरसाइज करता था मोटिवेट लेने के लिए, योगा करने से मन फ्रेश रहता था पूरा दिन, मतलब वो एक अच्छा है योगा करने से, वही है अगर आपको मेंटली फिट रहना है तो एक फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, अगर आपको बुखार है और कोई कहे कि नहीं पढ़ाई करो तो कैसे पढ़ाई करोगे, तो सिंपल चीज है कि फिजिकली फिट रहोगे। मैं एस्पिरेंट को एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जिनके बैचलर में कम परसेंटेज है, मेरे खुद के भी 58% थे, जब मैंने स्टार्ट में गेट के लिए कोचिंग की थी तो मुझे पता ही नहीं था कि पीएससी के लिए 60% चाहिए, तो पहले तो मैंने क्लास कोचिंग स्टार्ट कर दी, फिर पता चला कि वो परसेंटेज ही नहीं है मेरे उतने, तो पीएससी तो मिलेगी नहीं, फिर मैंने ये सब तैयार किया, तो मैं एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूंगा कि कम परसेंटेज है वो नहीं है कि पूरा लाइफ खत्म हो गया कुछ नहीं होगा, प्राइवेट जॉब अच्छी जॉब मिल सकती है आपको भी प्रिपरेशन करके, वो नहीं है, आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके सब समझ में आने लगता है, और टेक्निकल में तो क्या एक बार अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर धीरे धीरे करके सब हो जाता है, तो जिनके भी बीई में भी कम परसेंटेज है उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, बस पूरा अपना एफर्ट डालो, 2-3 साल लगाओ हो जाएगा आराम से, कोई अच्छा एग्जाम निकल जाता है। और मैं नीरज में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि नीरज ये उनके लिए बता रहे हैं जिनके परसेंटेज कम है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, और जो बी कर रहे हैं उनको खुश होकर अपना परसेंटेज नहीं घटाना है, कि नीरज ने कहा था हम घटा लेते हैं फिर बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अपने परसेंटेज मेंटेन रखना है। नहीं घटाने नहीं है सर, उसकी वजह से मैं एआरटीओ का जो एग्जाम आता है ना वो नहीं दे पा रहा हूं, उसको 60% का क्राइटेरिया है उसमें, वो मैं नहीं दे पा रहा हूं। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का कम है तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आपके लिए जो जॉब है उसके लिए प्रिपरेशन करें, अगर आप बी कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए, क्योंकि वहां उसका भी फायदा मिलता है, अगर आपने वहां पर यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे से पढ़ा है तो वही सारा चीज यहाँ पे आने वाला है, आपको रिवाइज ही करना है। सर अभी तो पहले तो हम तो हमारे वक्त तो क्या था कि हमने पता ही नहीं था कि क्या करना है, वो बी के बाद ही सोचा था कि ऐसे करेंगे, अभी तो बच्चे सारे वो अभी अच्छा बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको पता होता है क्या करना है, तो सेकंड थर्ड ईयर में से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट ईयर में तो शायद कुछ बच्चे तो लग ही जाते हैं जॉब पे भी, तो अभी तो वो तो अच्छा हो गया, हमारे वक्त तो क्या था कि
वो पता ही नहीं था कि बीच तक तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। कॉलेज में जाते ही नहीं थे, दो तीन लेक्चर अटेंड किए फिर तो ग्राउंड पे ही रहता था पूरा दिन। पर अभी तो अच्छे बच्चे सारे अवेयर हो गए, और ऑनलाइन की वजह से जैसे आपने मनु अकेडमी है और दूसरे के वेबसाइट की वजह से भी उनको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है सर वैसे, तो वो भी अच्छी बात है। और आपका आपका आपके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, जब तक जब RTO का नया सिलेबस आया ना क्लास 3 का वो X2 वगैरह, तो सब लोग कंफ्यूज थे कि क्या करेंगे क्या करेंगे। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने आपकी चैनल के बारे में बताया, तो मैं खुद से प्रिपरेशन कर रहा था वो एक्ट रूल्स की। तो फिर आपके चैनल में दो तीन लेक्चर देखे, तो फिर धीरे धीरे अच्छा लगने, इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैं और मेरा एक यश करके एक फ्रेंड है, दोनों साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे RTO की। तो वो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो जब रात को घर आता था तो मैं पूरा दिन एक्ट रूल्स का पढ़ के फिर आप जो चैप्टर रिवाइज जो आप अपलोड करते थे उसमें से मैं खुद पढ़ता था, फिर आपके लेक्चर में से नोट्स बना लेते थे। तो ऐसा करके हमने आपने बहुत हेल्प किया उस टाइम। तभी कुछ लैंग्वेज भी ऐसा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कभी, तो क्या लिखा है वो लो वाला लैंग्वेज था ना, तो आपकी वजह से आपके लेक्चर में शॉर्ट शॉर्ट में जो समझा देते थे तो उसमें से अच्छे से हो जाया था। क्योंकि पहले तो स्टार्ट में लॉकडाउन के पहले एग्जाम था, फिर बाद में लेट हुआ। अभी तो आपने बहुत साथ, उसके लिए आपका बहुत दिल से बोलना चाहूंगा। वो तो मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि RTO में मैंने एक में आपके वीडियो के अलावा कुछ नहीं किया और मेरा एक वाला पोर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। तो सर थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम आप लोग। चलिए हम अब इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मनु एकेडमी को ज्वाइन किया, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी आपको देखेंगे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी उनको। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि अगर आपसे कोई पर्सनली कुछ रिक्वेस्ट करता है किसी से रिलेटेड, तो आप जरूर उसको एडवाइस करिएगा अगर टाइम होगी तो, नहीं टाइम होगी तो टाइम निकाल के करिएगा क्योंकि हेल्प हाँ डेफिनेटली। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हाँ एंड बेस्ट विशेज फॉर फ्यूचर। Okay. Thank you, sir, for inviting us.